नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिल्पा गुप्ता। सांप से भला कौन नहीं डरता, और सांप उड़ने वाला हो तो देखने वाले का हाल क्या होगा, इसका अंदाजा हर शख्स अच्छे से लगा सकता है। आप भी चौंक गए ना, उड़ने वाला सांप। जी हाँ, ये खबर उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से है, जहाँ हर शख्स उड़ने वाले सांप को देखकर हैरान रह गए। जानकारी के मुताबिक एक शख्स पैसे कमाने के लिए इस सांप का इस्तेमाल करता है। वो लोगों को इसे दिखाता है और उनसे इसके बदले में पैसे मांगता है। मंगलवार को भी युवक यही काम कर रहा था, तभी किसी शख्स ने पुलिस और वन विभाग में इसकी जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस और वन विभाग की एक टीम मौके पर पहुंची और कार्रवाई शुरू की। आपको बता दें, उड़ने वाले इस दुर्लभ सांप का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस पर लोग अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। देखिए इस सांप का ये वायरल वीडियो। भुवनेश्वर के वन विभाग के अधिकारी के मुताबिक सांप को अपने पास रखना वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत अपराध है। जंगली जानवरों के कब्जे, व्यापार और वाणिज्य से संबंधित अपराध करने पर लंबी सजा और भारी जुर्माना लगता है। इसलिए इस दुर्लभ प्रजाति सांप को वन विभाग की टीम ने चंदका अभयारण्य में छोड़ दिया है। वहीं पुलिस ने आरोपी शख्स को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। आरोपी इस सांप को एक व्यक्ति पश्चिम बंगाल के आसनसोल से लाया था। इस सांप को क्रिस्टोपोलिया और नाटा के नाम से जाना जाता है। ये सांप वैसे सहजता के साथ नहीं उड़ पाता है, लेकिन एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर उड़कर जाता है। ये सांप विषैले होते हैं। इस सांप के नुकीले दांत इंसानों के लिए हानिकारक भी होते हैं। जी हाँ, 2 फीट लंबा सांप उड़ता तो नहीं है, लेकिन ग्लाइड करता है और पैराशूट की तरह लैंड करता है। वो हवा में इस तरह 100 मीटर की दूरी तय कर सकता है। आमतौर पर ये सिमलीपाल या कुलदीहा के पहाड़ी जंगलों में मिलता है। तो आप भी दंग रह गए ना इस उड़ने वाले सांप को देखकर। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और देखते रहें वीके न्यूज़। शुक्रिया।